मंडे को छुट्टी। जय श्री राधा कृष्ण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो राधा गोविंद गौशाला धाम है, यहाँ पर तकरीबन 18 जुलाई से एक भगवत गीता की कथा चल रही है और रोज शाम को यहाँ पर भंडारा किया जाता है। कथा होती है, इसके सत्संग, उसके बाद यहाँ पर भंडारा लगाया जाता है और काफ़ी संख्या में आस पड़ोस के और भी दूर दराज से लोग आकर यहाँ पर प्रसाद का भोग लगाते हैं, लंगर खाते हैं। और इसमें सभी जो हमारे साथी हैं, जो सेवक हैं दरबार के, हर दिन किसी न किसी की तरफ से ये एक लंगर लगाया जाता है। नई नाम बताने की एक प्रथा है कि नाम नहीं पता चलना चाहिए, फिर भी मैं भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका घर बार भरा रहे हमेशा। और ये हमारे साथ प्रभु जी हैं जो यहाँ पर कथा भी करते हैं और भंडारे की शुरुआत भी कराते हैं, उनकी देख रेख में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे साथ संजय वर्मा जी हैं जो ओबीसी में हैं, घनश्याम जी हैं और दीपक जी हैं, और इनके अलावा जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु या भक्त हैं, सबकी योगदान से ये भंडारा यहाँ पे चलता रहता है। और मैं अपने जम्मू कश्मीर निवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गौ भारी संख्या में गौशाला है और यहाँ पर आकर आप अपना ध्यान भी कर सकें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, घर में कोई खुशी का माहौल होता है, तो लोग आके केक काटते हैं, पार्टियाँ करते हैं। मैं चाहता हूँ वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आएँ और यहाँ पर भंडारा भी देखें और यहाँ पर आके गौ माता की भी सेवा करें, उनके लिए भी यहाँ पर करें। और भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद पूरे जम्मू कश्मीर वासी, पूरी जो संगत है।